नमस्कार, मैं हूं नेहा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया क्राइम। निकाय चुनाव में फार्म वापसी के साथ साथ तस्वीरें हुई साफ। बांदीकुई नामांकन वापसी के बाद मैदान में डटे प्रत्याशी लगे चुनाव प्रचार में, तो वहीं प्रशासन भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में जुटा। शहर की नगर पालिका 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर आज नाम वापसी के साथ साथ सभी वार्डो की तस्वीरें साफ हो गई, जिसके बाद अब मैदान में डटे प्रत्याशी अपने अपने वार्डो में मतदाताओं के बीच पहुंचकर जनसंपर्क में जुट गये। तो वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ उपखंड प्रशासन नगर पालिका के सभी 40 वार्डों में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर तैयारियों में जुट गया। मतदान प्रक्रिया को लेकर हमारे संवाददाता ने की उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा से खास बातचीत। नगर पालिका चुनाव के नामांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। आज नामांकन जो कैंडिडेट नाम वापस ले रहे हैं उसकी प्रक्रिया चल रही है। किस तरीके की प्रशासन के द्वारा चुनाव को लेकर के तैयारियां की गई है? अब बांदीकुई में 11 दिसंबर को नगर पालिका इलेक्शन होने जा रहे हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। आज नामांकन वापस लेने की लास्ट डेट है, जिसके बाद कल जो है कैंडिडेट को सिंबल अलॉटमेंट हो जाएंगे। उसके पश्चात जो प्रशासन के द्वारा जो है हम सभी जो हमारे 40 वार्डो के 44 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर हमने आधारभूत व्यवस्थाएं सभी जगह कर ली है। इसके अलावा हमने जो पोलिंग पार्टीज जो आ रही है उनकी प्रशिक्षण के साथ ही जो ईवीएम मशीनें हम लिए स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह बना लिए हैं और साथ ही जो है कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी हमने मीटिंग्स ले ली है, जैसे हमारे पुलिस के काउंटर पार्ट से भी। और इसके अलावा हमारे जो आचार संहिता प्रकोष्ठ है वो भी आचार संहिता की पालना के लिए और साथ ही कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको पूरी तरह से फॉलो करने के लिए भी हमने अलग से टीम तैनात कर दी है, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में जो भी हैं वो सभी कोविड की गाइडलाइंस भी फॉलो करें। सभी तरह की व्यवस्थाएं हम कर रही हैं बहनों के ऐसी कोई अभी तक इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परंतु फिर भी हमने हर एक बूथ पे ऑलरेडी अतिरिक्त जागरूकता लगाया है। तो इस तरह के लिए हम खुद भी यहाँ से अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाया है कि सभी व्यक्ति हैं हर एक व्यक्ति पोलिंग स्टेशन तक जाए। तो इस प्रकार की अभी तक कुछ शिकायत जैसी अगर कोई आएगी उसको देख लिया जाएगा, जैसे अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। नगर पालिका के जो चुनाव होने जा रहे हैं 11 दिसंबर को यहाँ नामांकन मतदान यहाँ होगा, उसके लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो यहाँ जारी। आज 3 दिसंबर को यहाँ नाम वापसी का दिन था, नाम वालों यहाँ पे हुई है, लोग यहाँ नाम वापस लेने के लिए आए हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो यहाँ जो नाम वापसी के बाद जो वार्डों की जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो सके और प्रशासन की यहाँ जो तमाम जो तैयारियां हैं जो 40 वार्डो में सभी 40 वार्डो में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर जो तमाम जो तैयारियां हैं उनमें लगा हुआ है। तैयारियां यहाँ तक की जा रही है, यहाँ तक की जो मतदान केंद्र है या मतगणना केंद्र है उनका बारी बारी से उपखंड प्रशासन द्वारा जायजा लिया जा रहा है, बाकी जानकारियां ली जा रही है। और जो स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ जो बनाया जा रहा है यहाँ पे वोटिंग के लिए जो ईवीएम मशीनें आएंगी उनको यहाँ रखा जाएगा। तो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन है चांस उपंद है और प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। वही जब आज 40 वार्ड में नाम वापसी के साथ जो प्रत्याशी है उनकी तस्वीरें यहाँ पे साफ हुई है, उसके बाद अब जो मैदान में जो डटे हुए हैं जो प्रत्याशी मैदान में है वो कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं के बीच आपसे जाना शुरू होंगे।